तो तुम ये शादी नहीं होने दोगी, किसी कीमत पे भी नहीं। तुम समझती हो कि तुम्हारे सामने कही हुई बात की वजह से गजाला जुल्फी से शादी से इनकार कर दी? इनकार नहीं करेगी तो कम से कम बात तो करेगी ना, झगड़ा तो होगा। तुम्हारी याददाश्त तो नहीं गई लेकिन तुम्हारा दिमाग जरूर खराब हो गया। वो बहुत चालाक लोग हैं। अच्छा, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि आप मेरे से इतने हमदर्द क्यों हो रहे हैं? आपको इससे क्या कि मैं क्या करूं क्या नहीं? आप तो उनके मेहमान है ना। मेहमान था लेकिन वहाँ जो हो रहा है वो बहुत ही घिनौना है और मैं मजीद उसका हिस्सा नहीं बन सकता। हाँ, क्या हो रहा है? जाने अनजाने में मैं भी उस सब का हिस्सा बन गया। जुगनू, प्लीज मुझे माफ कर देना। हाँ, कहीं आपने मेरा गलत ऑपरेशन तो नहीं कर दिया? मैं सच्ची मुच्ची मर तो नहीं जाऊंगी ना? देखो, वक्त के साथ साथ तुम्हें सब पता चल जाएगा। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। दोस्ती निभाते निभाते मैं भूल गया था कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम मसीहाई है। लेकिन मैं अपनी गलती का अजाला एक तरीके से कर सकता हूँ। तुम्हें बहुत अच्छी नसीहत दे सकता हूँ। वो क्या? तुम वापस जाओ और जुल्फी को भगा कर ले जाओ, वरना वो उसकी शादी करा देंगे और वो कर भी लेगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? देखो, यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, कोई ना कोई सस्ता भी होगा। बल्कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक चेक लिख के देता हूँ, रुकना यहाँ। चेक? कहीं इसने बेहोशी में मेरा गुर्दा निकाल के भेज ना दिया। ये देखो, प्लीज इनकार मत। बैग कहाँ पे? चलो मैं तुम्हें साथ ही ले चलता हूँ। आजो। गजाला को तो मैंने काफी हद तक समझा दिया, निकाहवा को भी बुला लिए, जुल्फी से आप बात कर लें। बात क्या कर लें? मैं उसे हुक्म दूंगा। Tell the bloody duff। देखता हूं मेरी बात कैसे नहीं मान। वैसे मैंने उसको समझा दिया कि वो औरत जुगनू नहीं थी, शादी की भेजी हुई औरत है। आई डोंट केयर, वो समझे ना समझे, उसका निकाह उससे होके रहेगा। इट्स अ डन डील। अरे जुल्फी, तुम ये क्या मुंह लटकाए हुए बैठे हुए हो? अभी तक तैयार नहीं हुए हो? चलो शाबाश, जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। और ये जल्दी वल्दी के चक्कर में तुम नेक देने से नहीं बचोगे। नेक क्या? हमारे खानदान में रिवायत है कि निकाह के दिन भाभियां देवर को सुरमा लगाती हैं और उनको उसके लिए नेक मिलती है। प्लीज भाभी, मेरा कोई मूड नहीं है रस्मों वगैरह का। जुल्फी, ये रिवायत है। मगर कोई अगर मगर नहीं, पहले ही डॉक्टर सादी की हरकत की वजह से मेरे सारे प्लान्स कैंसिल हो गए। कितना सोचा था ना, ये प्लान करूंगी, ऐसे सेलिब्रेट करूंगी, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ। भाभी, क्या आपको वाकई यकीन है कि जुगनू अब जिंदा नहीं है? और वो जो लड़की कल गजाला को मिली थी वो कोई और थी? फालतू बातें नहीं करो जुल्फी, जो गुजर गया है उसे भूल जाना चाहिए। अब जल्दी से ये चश्मे उतारो और मुझे सुरमा लगाने दो। ये लो सुरमा, लग गया, मुबारक हो। अच्छा, अब सुनो, आंखें मत खोलना, मिर्चे लगेंगी। मैं जा रही हूँ, तनवीर आएंगे और तुम्हें सहरा बांधकर ले जाएंगे, ठीक है ना? उसके बाद तुम आंखें तभी खोलोगे जब वो चेहरा तुम्हारे सामने होगा जिसके साथ तुमने सारी जिंदगी गुजारनी है। तो तब तक मैं वैसे ही बैठा रहूंगा। हाँ, तुम इसी तरह बैठे रहोगे। आंखें बिल्कुल नहीं मलना, मेरी बात सुनो। सेहरा बनने के बाद तक तुम्हारी आंखें साफ हो जाएंगी और फिर तुम्हें सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। अरे, ये पिछला दरवाजा खुला है, बारिश होने के बाद बंदर आ जाते हैं नीचे, कहीं ये ना हो कि कोई बंदर अंदर ही आ जाए। तो बंदर ही आएंगे अब तो। सुरमा तेजाब, ला पानी। हाँ, मैं जिंदा हूँ, उन्होंने मुझे
मुझे मारने की कोशिश की थी लेकिन मैं बच निकली। ढीठ हूँ ना? हाँ। लेकिन तुमने मेरी मौत की खबर भी नहीं ली। ज़ुल्फ़ी, अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगी। मैंने भी दूर नहीं होना। लेकिन चिकनू। क्या लेकिन? उन्होंने जबरदस्ती आज मेरी शादी तय की थी। निकाह है उस गजाला के साथ। उस गजाला के साथ? वो तो बहुत चुड़ैल निकली धोखेबाज। उसने मुझसे झूठी कसम खाई थी ज़ुल्फ़ी। बाबा साहब से कहो बंदर है। बंदर बंदर किससे बातें कर रहे हो? बंदर बाबा साहब बंदर आ गया है। बंदर यू इडियट, तुम बंदर से बातें कर रहे हो? झूठ बोल रहे हैं बाबा साहब, कोई और ही मसला मैं देखता हूँ। कैसे भागेंगे? पकड़ जाएंगे। अभी तो भागो, बाद में मारने लेके जाएगी। पकड़ो, बाहर सर्दी है। अच्छा नहीं, पकड़ो जल्दी से। अच्छा बाबा साहब वो भाग रहे। तो देख कर रहा हूँ, पकड़ो उनको जाके। इडियट, नूरजहाँ बादशाह, ये इसी ज़ुल्फ़े ज़ुल्फ़े नूरजहाँ बादशाह। नूरजहाँ बादशाह? हाँ, आप साइड स्टोर के यही सुनोगे, जमीन घबराने वाले होंगे। ये गाड़ी तेज चलती है? ये आप एक दफा बैठ जाइए, बिल्कुल फास्ट एंड खौफनाक बन जाएगी। अरे जल्दी कर। अब यू डू द शिट, आई डू द परफॉर्मिंग द भाग एंड डोर। हाँ बैठो 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 बैठो, चलो मैं अभी बनाता हूँ। ओ जल्दी आ गया। बस 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 बस, रुको 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 रुको। बस गए बस गए बस गए, निकल गए, जुगनू निकल गए। बहुत तेज भगाई तुमने। What happened my boy? ज़ुल्फ़ी कहाँ है? वो दोनों भागे बाबा साहब। तो वो झूठ नहीं था, वो लड़की सच मुझ की थी। आप सब ने मिलके ना सिर्फ मुझसे झूठ बोला है बल्कि एक बेचारे इंसान के ऊपर गलत इल्जाम भी लगाया है। खसाला, Appa, no lies with me, okay? अम्मी, ये असल बात बताती हूँ तुम्हें, चलो तुम अंदर मेरे साथ। अम्मा, अब क्या बात करनी है? You have put me in such a situation जिसका तो अब कोई हल ही नहीं है। तुम मेरी बात सुनो, आओ आओ मेरे साथ। तुम गाड़ी पे थे, वो पैदल थे और वो भाग गए, you idiot! नहीं बाबा साहब, गाड़ी निकालने का तो टाइम ही नहीं मिला, मैं भी पैदल ही भागा था। वो कार्ट वाला हायर किया हुआ था उन्होंने। What cart? कार्ट के उल्लू हो तुम? कहाँ जा सकते हो? ये मरी है, यहाँ कोई छुप नहीं सकता। लेकिन वो गजाला। Don't worry about her. वो लैंड लेडी है और तुम का मसला है, वो हल कर लेंगे। वो भी ज़ुल्फ़ी जैसा लड़का अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। हाय। अच्छा घर है ना, एक महीने के लिए रूम रेंट पे लिया, कैसा लगा? फिर भी भाई से तो बच गए, बाबा साहब हमें ढूंढ निकालेंगे और हमारा बुरा आशा कर देंगे। जुगनू, टेंशन छोड़ दो, हम किसी पहाड़ी के कॉटेज में थोड़ी जो हम पकड़े जाएंगे। इस तरह मरी के होटलों में ढूंढना ना बड़ा मुश्किल काम होता है। पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। ज़ुल्फ़ी, ज़ुल्फ़ी, क्या हो गया यार? जब तक नहीं पकड़े जाते तब तक तो साथ साथ है ना? तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे पर गोली चली और तुम करा, तुम जिंदा हो। मैं तो मर ही गई थी, लेकिन तुम्हें पता है मैं एक स्पेशल काम के लिए जिंदा हूँ। बहुत ज़्यादा।
आपको बताऊंगी मैं तुम्हें, लंबी स्टोरी है। अच्छा फिर मेरा एक स्पेशल काम कर दो। क्या? ये सुरमा उतार दो प्लीज। ये इसमें ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मेरे जुल्फ नहीं लगे उसमें। रो दिखाओ जरा ये आई पानी। हाँ हाँ हाँ। इस सूरत हाल में गजाला को लेकर यहाँ रहते रहना खासा मजा का खेज लगेगा। आप फिकर क्यों कर रही हैं? वो एक दो रोज में पकड़े जाएंगे। वो पकड़े तो जाएंगे, मगर गजाला पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, उसको इस सूरत हाल को समझने और इससे समझौता करने के लिए कुछ टाइम तो चाहिए होगा ना। आंटी ठीक कह रही हैं मौसा, वो लड़की अगर पकड़ी भी गई तो कुछ भी कर सकती है। हमें जिस खुला नामे पे एतबार था वो तो सादी, डॉक्टर सादी के साथ जो कुछ हो चुका है और जिस तरह वो इन्वॉल्व किए गए हैं, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि वो तुम लोगों के हमदर्द होंगे? मेरा तो ख्याल है आपको उस लड़की से बात करना होगी, निगोशिएट करना होगा उससे, वरना ये रिश्ता नहीं चल सकेगा। मैं अब चलती हूँ, शब खैर। अभी जो खुला की बात बताई गई है ये भी झूठी होगी, हमें मुतमईन करने की कोशिश। ईंटें उठा लूंगी बल्कि तुमसे भी उठवाऊंगी, लेकिन ख्वाब में भी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। छुपन छुपाई खेल रहे हैं मेरे साथ, लेकिन मैं भी इन्हें छोड़ूंगा नहीं। जुल्फी तुम्हें पता है मैं चोरी के इल्जाम में पकड़ी गई थी, वकील आंटी की जमानत पे रिहा हुई हूँ और मुझ पे गोली भी चलाई गई थी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो बाबा साहब ने गोली चलाई मुझ पे, फिर से पुलिस ने पकड़ लिया, वहां से भी निकल गई। तुम्हारे नसीब में ना उस लड़की से शादी होना नहीं लिखी। मैंने गजाला से शादी करनी भी नहीं है। तो फिर क्यों कर रहे थे? मैं कहां कर रहा था, बाबा साहब जबरदस्ती करा रहे थे। जुल्फी नाक इधर से पकड़े या इधर से, बात एक ही होती है। मेरी मोम की नाक नहीं हूँ मैं, मोम की नाक चुभूं, लेकिन मुझे जो कुछ बताया गया था उसके बाद मेरे पास ऑप्शन क्या रह गई थी? अच्छा चलो छोड़ो, देखो तो सही कितनी प्यारी जगह है, इतना खुला नीला आसमान। तुम्हें पता है लोग तो ख्वाहिश करते हैं ऐसी जगह पे हनीमून पे जाएं। और तुम तो पेरिस जाना चाहती थी ना? मैं नहीं, तुम जाना चाहते थे। मैं तो जुगनू हूँ बेचारी। तुम्हें पता है जुगनू कहाँ पैदा होते हैं? कहाँ? गोबर के ढेर में। नो। जुल्फी देखो तो सही, हमारा घर उस पहाड़ पे होना चाहिए। अरे कौन बनाएगा तुम ऊपर चढ़ के? तुम बनाओगे ना? नहीं नहीं मैं। अरे क्यों? नहीं। अरे नहीं नहीं। कभी तो मान जाया करो। पहले ही मुझे उल्टी आ रही है। ओप्पा। साथ है। आई 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 आप आशा जा। कसम से इस कदर जोर से जालिम ने हाथ मरोड़ा है कि बस। अरे देती घुमा के दो पलट के। आई ये क्या सुन रही हूँ मैं? आई बीबी इसको तो बख्श दो तुम। आई जो तरबियत अपनी लड़की की है वो इसकी करने की कोशिश ना कर, माफ रख भाई हमें, एक ही काफी है इस खानदान में। और तू किशो किस लिए मजे लेने जुगनू के किस्से सुनने को जाती है रिक्शे पे बैठ के? आई जाएगी तो पिटेगी भी। अरे वो इन्होंने ही कहा था आपा शाहजहां ने। हाँ इन्होंने ही कहा था और तू मोम की नाक की तरह चल पड़ी। है तो क्या करूं, क्या करूं, अकेले घर में बैठ के क्या मक्खियां मारूं? है रफीक ना तो कहीं बाहर लेके जाते और ना ही घर में कुछ लाके देते। आए लो और सुनो, आए वो तो सब कुछ करता कराता है, एक तू ही है जिसका तलवा नहीं टिकता घर में। क्या कहूं बस हर वक्त लेके अपने दुखड़े यहाँ आ जाती है। ऐ आपा शाहजहां अब तुम ही बताओ आखिर को कितना सबर करूं, कहां तक पिटूं मैं? मैं क्या कह सकती हूँ भिन्नो, अरे इनका घर है
ये जाने और तुम जानो। अच्छा तो अगर मैं उसे मारूं तो क्या वो दोबारा मुझे नहीं मारेगा? अरे कल कला को कोई हाथ पैर तोड़ के डाल दिया तो फिर क्या होगा? हाँ हाँ आशी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। मामा आप गजाला से भी बात कर लीजिएगा, पता है उसके अलावा कोई लड़की इस घर में आई ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ मैं इसीलिए तो जा रही हूँ, वैसे अगर हम यहाँ ना होते तो हालात इतने खराब ना होते, मेरा मतलब है अपने घर पर होते। हाँ मामा हमने भी ये सब कुछ इसीलिए किया था कि वो लड़की इस घर में ना आए, लेकिन छोड़ो, मुझे अंदाजा हो चुका है कि वो अकेली नहीं है। अकेली लड़की की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी, जरूर उसके पीछे कोई है। कौन हो सकता है मामा? डॉक्टर सादी। वो ऐसा क्यों करेंगे? होंगी उनकी कोई इंटेंशंस। अब पूरा शहर छोड़कर जुगनू उन्हीं के क्लिनिक में कैसे पहुंच गए? हर बड़ी फैमिली के इर्द गिर्द दोस्तनुमा दुश्मनों का घेरा होता है। अभी जो खुला की बात बताई गई है ये भी झूठी होगी, हमें मुतमईन करने की कोशिश। हे वो अपनी जुगनू की कोई खैर खबर आई? आई हाँ किशो, अरे हाथ का छाला बना के रखा हुआ है जुल्फी मियां ने मेरी बच्ची को। अरे मेरा तो रोम रोम दुआएं देता है। कोई जादू का नुस्खा मेरे हाथ में लग जाता तो मैं अपनी जिंदगी भी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजार पाती। ए किशो एक बात सुन, मगर आपा से बात मत करना। अरे मैं क्यों कहने लगी? देख अभी अगर तुझको लेने के लिए ना आए ना रफी, मुझसे मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे अगर तेरी गलती भी थी तो भी उसको क्या हक बनता है, हैं? कि वो यूं मार धाड़ करे। भाई जबानी कलामी जो बात करनी है कर ले। ठीक कह रही हो बिल्कुल, मैं भी तो पहुंच जाती हूँ ना पिटने के लिए, अब नहीं जाने की। अहला लगा तेरे तो है ना, ऊपर भी कोनी पे भी लगता है। मैं इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? डॉक्टर सादी ने दिए। डॉक्टर सादी ने? उनसे तुम्हारा क्या ताल्लुक? अरे उन्हीं की तो क्लिनिक पे गई थी मैं, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। ओह तो वो लोग जो उन पर इल्जाम लगा रहे थे वो बिला वजह नहीं था, वो वाकई तुम्हारे साथ थे इसलिए चले गए। मेरे साथ नहीं थे, मेरे साथ तो सिर्फ अल्लाह मियां है। तुम्हें पता है जुल्फी, मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर सादी को मेरे बारे में ना कोई एहसास जुर्म है, इसलिए उन्होंने मुझे ढेर सारे पैसे दे दिए और कहा कि जब भी हो तो लौटा दूं। और जब ये खत्म हो जाएंगे तो? तो इसी होटल में ना मैं खाने की मुलाजमत पे लग जाऊंगी। अच्छा और मैं क्या करूंगा? तुम मुझे वो वाला होटल है ना उस पे तुम वेटर लग जाना। कम ऑन जुगनू, सीरियस हूँ मैं यार। मैं भी बहुत सीरियस हूँ, ईंटें उठा लूंगी बल्कि तुमसे भी उठवाऊंगी, लेकिन ख्वाब में भी मत सोचना कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। मैंने ऐसा कब कहा? ऐसा कहना भी मत, अब चले। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सादी बात कर रहा हूँ। ओह आप? जी आप प्लीज मेरी बात जरूर सुन लीजिए अपनी कोई भी बात करने से पहले। मैं उस घर से इसलिए गया था कि ना तो मैं किसी झूठ का हिस्सा बन सकता हूँ और ना ही अपने पुराने दोस्त के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ। तुमने आपसे कब पूछा आप यहाँ से क्यों गए? आपने पूछा नहीं लेकिन मुझे लगा आपको मालूम होना चाहिए। मैं अपनी पोजीशन आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। आपकी पोजीशन इतनी आसानी से क्लियर नहीं होने वाली है। जुगनू आई थी यहाँ और जुल्फी को भगा के ले गई। शेरनी है शेरनी, मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी। तो फिर आपने अपनी शेरनी को यहाँ क्यों भेजा, वो भी बिल्कुल ऐन मेरे निकाह के वक्त? मैंने जुगनू को यहाँ नहीं भेजा था। Whatever, यहाँ पे तो सब आपको अक्यूज कर रहे। खैर अब वापस मैं जा रही हूँ वैसे भी।
ठीक है, लेकिन मेरा जुगनू से इससे ज्यादा और कोई ताल्लुक नहीं कि वो जख्मी होके मेरे क्लिनिक में आई थी। ठीक है, अब मैं रखती हूँ फोन, अल्लाह हाफिज। मुंशी जी बहुत ही झूठे हैं, कब्र में पांव लटकाए खड़े हैं और झूठ बोलने से बाज नहीं आते वो। भाई सच्ची बात है, पर हो तो कव्वा बनता है, राय ना हो तो पर्वत कैसा। ऐसी भी बात नहीं है, जुगनू ने रात को मेरी बात करवाई है जुल्फी से। हेलो, तो मुझे तो तुमने बताया ही नहीं। अब जो बता रही हूँ। हाँ भाई, अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा तुम्हें लग रहा है। बंद करो टीवी जुगनू, कब तक कमरे के अंदर बैठे रहेंगे यार हम। किसने कहा है छुपके कमरे में बैठो, बाहर जा सकते हो तुम। और बाबा साहब ने देख लिया फिर? अरे बाबा साहब देख ही नहीं सकते, वो कहाँ आएंगे इतनी रश वाली जगह पे। हाँ ये तो है, बहुत कंजेस्टेड जगह पे हो रही, क्यों और नहीं रह सकते हम। ऐसे हैं तुम्हारे पास? नहीं। तो फिर अच्छी जगह कैसे रहेंगे, पल्ला वास्ते तो रखेगा नहीं। हाँ लेकिन यहाँ भी तो नहीं रह सकते ना, पैसे कभी ना कभी तो खत्म हो जाएंगे, हमेशा के लिए थोड़ी है ये। हमेशा के लिए तो नहीं है यार। तो फिर क्या करें? तो शादी कर ली, तो शादी से पहले सोचना था ना। मुझे क्या पता था हालात इतने खराब हो जाएंगे यार। तुम्हें बाबा साहब का नहीं पता था जुल्फी कि वो ये सब कुछ करेंगे है? अच्छा चलो ठीक है, बाहर माल रोड पे घूमा, हमारा दिल भी फैल जाएगा और वहां बाबा साहब और तन्वीर भाई के आने का कोई चांस भी नहीं है। हाँ हाँ जाओ। तुम क्या करोगी? मैं तो सोने लगी हूँ, ख्याल रखना अम्मा। जाओ बाय। लेकिन भी शाहजहान, तुक्के लग तो जाते हैं पर निपते नहीं। ऐसी भी बात नहीं है आपा, अरे अल्लाह ही है निभाने वाला भी और तुक्के लगाने वाला भी, इंसान तो बस सिर्फ दुआ ही कर सकता है। भाई कह तो ठीक रही हो, मुझे तो अल्लाह ने ऐसा ये घुटनों का दर्द दिया कि बस क्या बताऊं। अरे तुम अच्छी रही, एक चुईया पैदा की और सारी जिंदगी मजे किए, मेरी तो जवानी बच्चों के पीछे भागते दौड़ते गुजर गई, अब बुढ़ापा आया तो बच्चे दूर और मैं गरीब रह गई लोगों की खिदमतें करने के लिए। चाय तो पी लो जो मैं तुम्हारे लिए बना कर लाई हूँ। बाबा साहब आप कहाँ जा रहे हैं? बाबा साहब तुम लोगों से तो कुछ होता नहीं है, मैं खुद जाकर ढूंढूंगा उसे। हर जगह दिखवा चुका हूँ, बख्शी जी को भी इतला की है, कहीं नहीं मिल रही वो, बल्कि दोनों ही नहीं मिल रहे। इंस्टिंक्ट माय बॉय, इंस्टिंक्ट, वो यही है हमारी में। इसने छोटी सी जगह में कहाँ छुपेगी? तुमने माल पे जाके देखा? माल पे वो क्या करेंगे? मैं उस औरत की फितरत समझ गया हूं, शी इज अ रिस्क टेकर, रिस्क लेती है, सामने आके वार करती है, हमारी बदहवासी से फायदा उठाती है। यही है कहीं, हमारे बहुत करीब। ठीक है, मैं खुद जाके देखता हूं, चाबी मुझे दे। गो फाइंड हर, आई एम श्योर कि जुल्फी भी वही है।
गो 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 गो। छुपन छुपाई खेल रहे हैं मेरे साथ, लेकिन मैं भी इन्हें छोड़ूंगा नहीं। सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा, तुम चलोगे साथ या जबरदस्ती करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ? खुदा को मानो, ये क्या है? क्या है? अरे ये क्या है? अरे आपा, ये तो रिसाला है, फरत इश्तियाक की बड़ी अच्छी कहानी छपी हुई है। कम्मा, ऐसा हीरो मुझे ना मिला। अरे हीरो की बात नहीं कर रही, ये जो तुम खा रही हो, हे आपा, इमली है और क्या है? हाँ हाँ, मुझे भी पता है इमली है, लेकिन यहाँ क्यों है? अल्लाह की मर्जी। अरे लो, अभी ये तमाशा भी देखना रह गया था। यकना शुद्ध दो शुद्ध। अरे शाहजहान, जरा इधर तो आना। आई आपा, आई। अरे ये क्या तमाशा है? क्या तमाशा? अरे ये किशो के हाथ में ये इमली है आपा, इमली। वो तो मुझे भी पता है इमली है, लेकिन यहाँ क्यों है? वो आपा, दरअसल किशो अभी अपने घर नहीं जाना चाह रही। भाई हम नहीं पाल सकते किसी की पछेरा पलटन। आपा, एक दो दिन की तो बात है, रफीक का दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा, आके खुद ही ले जाएगा। वाह भाई वाह, जुगनू को भी तो यहाँ रखा हुआ था ना, बहन इतनी भारी हो गई तुम पर। मैं रफीक को फोन करती कि भैया ले जाए अपनी बीवी को आके यहाँ से। हद हो गई भाई, क्या कह दिया? पता नहीं क्या ओल फोल बोले जा रही है। वालेकुम सलाम, पता चला उस इडियट का? बाबा साहब सब जगह देख लिए, जीपीओ भी देख लिया, गवर्नर हाउस भी देख लिया, सिर्फ ये चर्च ही रह गया। तो चर्च में जाके देखो। चर्च में? बाबा साहब चर्च में क्या करेंगे? वो तुम्हें माल रोड पे ही मिलेगा, किसी ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि वो वहां होगा। जी बाबा। क्या डाले? नहीं वो मैं, वो एक क्राइसिस हो गया है तो मैं बिजी था उसमें। मिस्ड कॉल? नहीं मैंने तुम्हारी कोई मिस कॉल, क्या हो गया है? कोई मिस कॉल नहीं। अरे हेलो। हाँ भाई, रफीक मियां बोल रहे हो? जी रफीक बात कर रहा। भाई तुमसे जरूरी बात करनी थी। फरमाइए। फरमाना वरमाना तो गया भाड़ में, अब ये बताओ मियाँ कि रोज बीवी को मार पीट के रवाना कर देते हो, आखिर क्यों?
शोहर हूँ मैं उसका, हक है मेरा। आई मारना पीटना तुम्हारा हक है? बीवी है वो मेरी, मालिक हूँ उसका। अच्छा तो ये कहाँ से सुन लिया तुमने? अब्बा कहते थे और उनसे पहले दादा। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, तो फिर बाप दादा की रिवायत को कायम रखो, लेकिन इसको घर पे तो रखो अपने। मेरे घर में कहाँ चैन लेने देते हैं आप लोग, फोन पे फोन, फोन पे फोन। आलो क्या बेचा है तुम्हारे हाथ? भाई वो मिलने भी आएगी और हम फोन भी करेंगे, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि बहन के घर बिठा दो। सच कहो क्या आने वाले खर्चे से घबरा रहे हो? ऐसा नहीं हूं, मैं आता हूँ शाम को लेने, लेकिन एक शर्त है मेरी। अच्छा अच्छा भैया आओ तो सही, शर्त भी सुन लेंगे मान भी लेंगे। तुम आओ तो। एक से अच्छे लोगों को ये दुनिया सूली पे लटकाए बगैर नहीं छोड़ती, तो क्या इंसान को अच्छाई का रास्ता छोड़ देना चाहिए? सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा, तुम चलोगे साथ या जबरदस्ती करनी पड़ेगी तुम्हारे साथ? मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, वो जब आएंगे तो ये कीज उन्हें दे दीजिएगा। जी बेहतर। वो मैंने पूछना था कि मेरा मतलब है यहाँ होटल वगैरह में कहीं खाना पकाने की जॉब मिल सकती है? आपको चाहिए? नहीं नहीं, मैं तो बहुत बड़े घर की बहू हूँ, मुझे भला क्यों चाहिए होगी नौकरी। मैं तो एक वो लड़की के लिए पूछ रही थी, बेचारी गरीब सी है, नीचे घर में काम करती थी, वो लोग चले गए तो वो मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने सोचा हाँ आपसे पता कर लूं। नहीं चले, ये कीज दे दीजिए। जी बेहतर। हेलो जी वकील आंटी, मैं जुगनू बात कर रही हूँ। हाँ जुगनू कैसी हो, जिंदा सलामत हो? जुल्फी की कोई खबर मिली? खबर क्या, जुल्फी खुद ही मिल गया है, लेकिन आपको पता है वो लोग वाकई जुल्फी की शादी कर रहे हैं। अच्छा फिर? फिर क्या, बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ हाँ बोलो, खैरियत है ना सब? खैरियत तो है, लेकिन अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी ना तो वाकई गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ बताओ क्या मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? मेरे पास पैसे हैं, वो अम्मी के पास रखे, मैं वापस आती आपको लौटा दूंगी। अरे वो सब होता रहेगा, मैं तुम्हें अभी करवा रही हूँ, ठीक है? चले बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ओके अल्लाह हाफिज। बाबा साहब आप मुझसे जुल्फी को नहीं छीन सकते। मेरे हस्बैंड आए तो उन्हें दे दीजिएगा। लेकिन वो तो दिन में भी नहीं आए, मरी में ही है ना? मैं तो सबर कर बैठा था कि वो मर चुकी है। तुम्हारे हक में यही बेहतर होता अगर तुम यही समझते रहते कि वो मर चुकी है। मुझे कागजात उसने भेजे थे, वो है तुम्हारे पास? वो जरूर आएगी जुल्फी को अपने साथ ले जाने के लिए। इस बार मैंने ऐसा इंतजाम किया कि याद करेगी कहाँ आ गई। तुम्हारा उस लड़की से अब कोई ताल्लुक नहीं है। मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊं, उसका भी कुछ पता नहीं चलता, कभी साथ देता है कभी ऐसे अकेले छोड़ जाता है।